हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु IAS. ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और आज हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए अभ्यास, जो हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे किया है फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज, स्पेशली प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है फॉर जर्नल साइंस, राइट? तो जर्नल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेक्चर है ये मेरा और HCS 2024 के लिए. और सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम करेंगे प्रीवियस ईयर डिस्कशन, क्योंकि विदाउट प्रीवियस ईयर डिस्कशन आप नहीं समझ सकते कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, और जर्नल साइंस की कितनी वेटेज है और जर्नल साइंस कितनी इम्पॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है और अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट्स. हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट्स. हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स. कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 और 2 मैच द फॉलोइंग करना है. ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है. कहता है आर्कियोलॉजी, कैटोलॉजी, जियोपॉनिक्स एंड हमारी लाइकोथियोलॉजी, ठीक है? अब बताइए इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स. सो इट्स का करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर 3. इट मीन्स, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आओ, इसका मतलब 1 का सी, ठीक है? इट मीन्स एक्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ व्हेल्स एंड, सॉरी, सी 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 ऑप्शन, स्टडी ऑफ माइट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? जियोपॉनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर. अगर आप ये दो ऑप्शंस भी करते हो ना, तो भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनता है यहाँ पे, राइट? यस और नो, ठीक है? और सीटोलॉजी मतलब कि, और फोर्थ ऑप्शन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सी ईयर स्टूडेंट, एक्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी द माइट्स एंड टिक्स, माइट्स एंड टिक्स द एनिमल्स इन ऑर्डर ऑफ एक्रीनिया. इट इज़ सब फील्ड ऑफ एक्रोनोलॉजी, इस सब डिसिप्लिन फील्ड ऑफ द जूलॉजी. जूलॉजी मतलब कि जहाँ पे हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, राइट? माइट्स और टिक्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट वी कॉल्ड एक्रोलॉजी, ठीक है जी? नेक्स्ट है हमारा सीटोलॉजी. सीटोलॉजी का मतलब होता है वेल लोर, ठीक है? जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स मैमल, मरीन मैमल्स की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारी वेल हो गई, ठीक है? और इसमें हम 80 स्पीसीज़ के करीब करीब, जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स, प्रोपोइज, इनके बारे में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारी आइक्टोथियोलॉजी, ठीक है? इसका मतलब होता है फिश स्टडी, मतलब कि फिशेस की स्टडी को हम बोलते हैं. द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ये भी एक ब्रांच है जो डिवोटेड है टुवार्ड्स द स्टडी ऑफ फिश, ठीक है? क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था स्टूडेंट, साइंस का क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. बायोलॉजी में ये आपकी जूलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है? जूलॉजी का क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका, ठीक है? इवन जब मेरी क्लासेस होंगी, ठीक है, तो उसमें आई थिंक 6th या 5th लेक्चर जो है वो आपका जूलॉजी का ही है, ठीक है? इसमें हम थोड़ा एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, ठीक है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देखी यहाँ पे, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड देन पॉज इट, देन आंसर इट, और फिर इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए. हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़िए. इन ट्रेजिडीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग स्पीरियस लिक्वर, द एक्टिव एजेंट कॉजिंग सच ट्रेजिडीज. आपने बहुत बार देखा होगा कि नकली शराब की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई. हालांकि सबसे पहले तो अल्कोहल कंजम्पशन इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है? क्राइम सबसे ज़्यादा, जब मतलब यू नो, अगर आप एवरेज क्राइम देखो या आप मोस्ट ऑफ द क्राइम देखो, तो उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल या फिर ड्रग अब्यूज़र ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे आप अपना मेंटल बैलेंस जो है उसको आप ख़राब कर देते हो, और उस चक्कर में कोई ना कोई गलती हो जाती है, ठीक है? तो ड्रिंकिंग, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके सामने बहुत सारी ट्रेजिडीज या घटनाएँ आपके सामने आती हैं, वो किसकी वजह से आती हैं? क्या है ऐसा नकली शराब के अंदर, क्या है भाई, किससे बनी है? वो मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल? तो करेक्ट ऑप्शन इज मिथाइल अल्कोहल. तो जो हमारी इस तरीके की ट्रेजिडीज होती हैं, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू द मिथाइल अल्कोहल, ठीक है? ओके, सी ईयर स्टूडेंट,
मिथाइल एल्कोहल इट मीन्स मिथेनॉल, ठीक है, इज कॉमनली यूज्ड एडल्ट्रेंट बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट सिमिलर टू इथाइल एल्कोहल। जो हम ड्रिंकिंग करते हैं स्टूडेंट्स, एल्कोहल पीते हैं, वो किससे, उसमें जो केमिकली वो क्या होती है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। बट जो मिथेनॉल है स्टूडेंट, ठीक है, मिथेनॉल जो हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, उसका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, जैसे हमारी ओरिजिनल एल्कोहल होती है, ठीक है, और इजी अवेलेबल ही है। तो मिथेनॉल टॉक्सिसिटी इज पॉइजनिंग फ्रॉम मिथेनॉल। जब भी हम मिथेनॉल कंज्यूम करते हैं स्टूडेंट, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है, राइट। हाँ जी, तो थर्ड ऑप्शन पढ़िए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़िए आप, थर्ड नंबर, हाँ जी पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। तो ये किसका क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, राइट, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पढ़िए। ये भी हमारे HCS 2019 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 2019 से मैंने स्टार्ट किए, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, तो बताइए फिर क्या चीज़ है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ लेटेंट हीट, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर ए सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर चेंज स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड व्हाट, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। सी हियर स्टूडेंट, लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट या फिर हिडन हीट, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, आपको बस क्या करना है, अगर आपको स्टेज चेंज करनी है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस की स्टेज में जाना है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, सो दिस इज़ वी कॉल्ड लेटेंट हीट, दिस इज़ वी कॉल्ड लेटेंट हीट। और ये फिनोमिना आपको ज़्यादातर दिखाई देता है स्टूडेंट्स कब, जब एक इंटेंस रेनफॉल होती है, ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों के महीनों में आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसमें एकदम से बारिश हो जाती है ना, और बारिश हो जाती है, ठीक है, हालांकि बारिश हो गई है, ठीक है, टेम्परेचर घटना चाहिए था, टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, आपको और ज़्यादा गर्मी फील होनी शुरू हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है। क्यों होता है स्टूडेंट ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि जैसे जो हमारे रेन के पार्टिकल है, जब वो नीचे आते, ठीक है, नीचे आते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेट चेंज होती है, तो जब वो स्टेट चेंज होती है तो उसमें से हीट बाहर आती है, ठीक है, तो टेम्परेचर उतना ही है, टेम्परेचर इवन कम हो गया पहले से, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हीट हीट वाली फीलिंग आती है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हीट है ना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, ठीक है, सो दैट इज़ ड्यू टू द लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाई ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर चेंज किए, ठीक है, जब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है जी, ओके। तो HCS 2019 का आप नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, हाँ जी, तो पढ़िए फिर।
हाँ जी, क्वेश्चन क्या है था, द साइंस बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर एक बुक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, विच इज मेड मेड इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वॉज रिटन बाय व्हाट, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, अवर ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, मोटिवेशन लेना हो तो यहाँ से लीजिए आप, ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल, ठीक है, इज़ ए पॉपुलर साइंस बुक और ऑन कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स बाय ब्रिटिश फिजिशियन दैट वी कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग, इट इज़ अ फर्स्ट पब्लिश इन 1988, ठीक है, आपको भी पता है जो स्टीफन हॉकिंग थे वो पैरालाइज्ड थे, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी काम नहीं करती थी, फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज दी, ऐसी ऐसी उन्होंने डिस्कवरीज में हेल्प की कि पूरी दुनिया जो थी वो सरप्राइज हो गई थी, ठीक है, खास करके ब्लैक होल के ऊपर उनकी बहुत अच्छी रिसर्च थी, राइट, ओके, तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, 2019 का ही ये क्वेश्चन है और इट इज़ फ्रॉम द फिजिक्स, ठीक है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है हमारा, तो पढ़िए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्वेश्चन को, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है, कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है इसके, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देखिए आइजेक न्यूटन, सर आइजेक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इट मीन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन with the same speed and direction unless acted upon by the unbalanced force. See here, students. उन्होंने यूनिवर्स के बारे में तीन मेन लॉ दिए थे मोशन के ऊपर. पहला उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, और कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, अनलेस कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे. फॉर एग्जांपल ये माउस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ही रहना चाहता है जब तक कि मैं अपना एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के अपने हैंड से इसको ऊपर ना करूँ, ठीक है, मैं इसको पिक ना करूँ. इसका आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप बस में बैठे हो और एकदम से जब बस चलती है तो आपको एक जर्क फील होता है, आपको एक झटका फील होता है और आपकी बॉडी पीछे वाली साइड जाती है, राइट, क्यों, क्योंकि बॉडी आपकी रेस्ट पे थी, जब बस ने आपके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो आपकी बॉडी को रेस्ट पे ही रहना था, उसको वहाँ से नहीं हिलना था, है ना, तो वो पीछे वाली साइड उसी जगह पे जाना चाहती है वापस से, ठीक है, फिर जब बस चल पड़ी तो जैसे बस मोशन में है तो आपकी बॉडी भी उसके साथ मोशन में है, लेकिन एकदम से जब बस रुकती है फिर से आपको जर्क फील होता है और आप आगे की तरफ गिरते हो. आगे की तरफ आप इसलिए गिरते हो क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, इट मीन्स वो चलना ही चाहती है, लेकिन फोर्स ब्रेक की वजह से, जो ब्रेक लगाई उन्होंने, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगी आपकी बॉडी के ऊपर जिसकी वजह से आप रुक गए वहाँ पे, ठीक है, सो दिस इज़ वी कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इज़ इट क्लियर, इज़ इट क्लियर, ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको, ठीक है, ठीक है जी, तो अनलेस की जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे आपके ऊपर, ठीक है, ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, हाँ जी, कहता है इन विच इंडियन सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेशन, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो बताओ फिर कहाँ पे लोकेट करता है, दैट इज इन हैदराबाद. तो देखिए कहता है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज एन इंडियन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ट्रांसलेशनल सेंटर लोकेटेड इन हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, हाँ जी, तो क्या कहता है, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, जब यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है उसको बम्बार्डेड करते हैं हम विद न्यूट्रॉन्स,
विद न्यूट्रॉन्स के साथ जब हम उसको बॉम्बार्डेड करते हैं, इट कीप ब्रेक अप इनटू टू ऑफ नियरली इक्वल मासेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, सी स्टूडेंट, जो हमारा यूरेनियम है जब उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट, जो यूरेनियम है वो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, पहला क्रिप्टॉन और दूसरा हमारा बेरियम, ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो कंपाउंड्स में, पहला हमारा क्रिप्टॉन और दूसरा हमारा बेरियम, ठीक है, और यहाँ से तीन न्यूट्रॉन्स बाहर आते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, जो फर्दर आगे चेन रिएक्शन करने में हमें हेल्प करते हैं. सो दिस इज वी कॉल्ड फिशन, दिस इज वी कॉल्ड फिशन. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन न्यूक्लियर फिजिक्स इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू टू और मोर देन स्मॉलर न्यूक्लियाई एज फिशन प्रोडक्ट एंड यूजली सम बाय प्रोडक्ट पार्टिकल. जैसे कि मैंने आपको यूरेनियम बताया जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा क्रिप्टॉन और दूसरा हमारा बेरियम, ठीक है, और यहीं से यहाँ पे हमने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई और आगे फिर से तीन न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं जो फर्दर यूरेनियम से रिएक्ट करते हैं और फिर से हमारे पास दो दो क्रिप्टॉन के और बेरियम के क्या निकलते हैं आगे फर्दर. सो दिस इज़ द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. ठीक है, इसको हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से. ठीक है, रेडियो एक्टिव एक हमारा चैप्टर है, वहाँ पर हम अच्छे से इसको देखेंगे. ठीक है जी, ओके. हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 2019 का बड़े क्वेश्चन आए 2019 में, ऑलमोस्ट 22 से 25 क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स हमारे 2019 में. हर साल वैसे स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी खासी वेटेज रहती है प्रीलिम्स में, ठीक है, खास करके जनरल साइंस की. ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट PCS. ठीक है जी, तो पढ़िए फिर. कॉलम है उनको आपको मैच करना है, ठीक है. हाँ जी, तो पढ़िए स्टूडेंट. जैसे कि फोर्थ ऑप्शन इज टोनोमीटर. टोनोमीटर का मतलब होता है स्टूडेंट मेजर इंटरनल प्रेशर ऑफ द आई. तो फोर्थ का है हमारा ए, तो हमारे पास ऑप्शन बना टू. ठीक है, एक ही ऑप्शन से मैंने क्वेश्चन कर दिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज टू. वन का बी, गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर द सी ह्यूमिडिटी, और मोनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस. ठीक है जी, ओके बच्चे, ओके, ठीक है जी. तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज करते हैं हम उसको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के, मोनोमीटर जो मेजर करता है प्रेशर को, हाइग्रोमीटर जो वेदर इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर. ओके जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आया आपको ये ऑप्शन? ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा HCS प्रीलिम्स के लिए एक क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च हो चुका है. 75 डेज चैलेंज, मतलब कि हार्ड चैलेंज, जैसे कि हरियाणा में बहुत फेमस हो रखा है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, फीचर्स आप ध्यान से देखना, सी सेट की क्लासेस, रिवीजन की क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप, राइट. 75 डेज का है और जो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है स्टूडेंट वो ऑलरेडी स्टार्ट है स्टूडेंट्स, बट इफ़ यू एनरोल नाउ तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी और इवन अगर आपको कोई भी इशू हुआ तो वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप इस एड्रेस के ऊपर इवन विजिट भी कर सकते हैं मोहाली के अंदर. तो ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फेज़ 8 में ये हमारा इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स. ठीक है, सेक्टर 72, बिल्डिंग नंबर C126. ठीक है जी, राइट.
अभिमन्यु आईएएस लास्ट 25 ईयर से स्टूडेंट्स मोहाली इस ट्राई सिटी के अंदर यू नो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी एंड फॉर स्टेट पीसीएस, राइट। हरियाणा सिविल सर्विसेज में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमें कुछ भी ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है, वो क्या बोलते होते हैं, पक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, समथिंग लाइक दैट वन, ठीक है। 2021 में हमारी 41 सिलेक्शंस हुई थी और 2022 के अंदर हमारी 27 सिलेक्शंस हुई थी। यू नो दैट की 99 सीट्स थी जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 61 को कॉल लेटर आया था, राइट। तो 27 सेलेक्शंस हुई थी स्टूडेंट्स हमारे 27 प्लस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले ही कुछ यू नो यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं और फिर उनका रिकॉर्ड बाद में मिलता नहीं है, ठीक है, या फिर वो कांटेक्ट नहीं करते, राइट। तो 27 प्लस सेलेक्शंस हुई थी हमारे इंस्टीट्यूट से, राइट। ओके ओके, तो मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें लाइव बेस्ड क्लासेज, रिकॉर्डेड सी सेट क्लासेज, रिविज़न क्लासेज, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, राइट। हर रोज स्टूडेंट आपकी दो जीएस की क्लासेस हुआ करेंगी, जैसे कि इस टाइम पे आपकी दो साइंस, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास चल रही है 2 घंटे की, 2 घंटे की इकोनॉमी की चल रही है, और एक आपकी सी सेट की क्लास होगी फॉर 1 आवर, और आपकी वीकली करंट अफेयर की क्लास होगी जो हमारे यहाँ की फैकल्टी हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रोहित सर, ठीक है, वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे रिलेटेड टू हरियाणा सिविल सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ आप जल्दी से एनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, जो इसकी कॉस्ट है स्टूडेंट दैट इज 35,000, बट इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज 25,000 रुपीज़, ठीक है, जिसमें आपको एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी स्टूडेंट्स। रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, ट्रस्ट में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, डेडिकेटेड फैकल्टी है, वो इस तरीके से पढ़ाती है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट के साथ साथ इतना अच्छे से यू नो समझ में आ जाता है कि आपको एग्ज़ाम में बैठकर डर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, और आई एम प्रिटी श्योर कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इतने क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेन हर्डल इस टाइम पे आपका प्रीलिम्स ही है, ठीक है जी। ओके ओके, तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना ये सेशन ओवर कर रही हूँ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।